मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा के निर्देश अनुसार कोतवाली टीआई उमेश गुलहनी ने टीम गठित कर श्याम टॉकीज क्षेत्र के सट्टा पट्टी काट रहे 27 लोगों को गिरफ्तार किया। बताने के पुलिस ने नरेश संगवानी के यहां सट्टा पट्टी काट रहे व्यक्ति के पास से 45,000 रुपये नकद, 3 कैलकुलेटर और मोबाइल बरामद किए। वहीं इसी क्रम में दूसरी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने छोटा तालाब क्षेत्र से भी एक युवक को सट्टा पट्टी काटते हुए गिरफ्तार किया। वहीं दोनों गिरफ्तारी में अन्य उपकरण समेत नगद राशि को मिलाकर लगभग 2.5 लाख रुपए की मशरूका को भी बरामद किया है। इसी कड़ी में कोतवाली टीआई और थाने के पूरे स्टाफ द्वारा सट्टा पट्टी काटते हुए गिरफ्तार 27 लोगों को श्याम टॉकीज से लेकर कोतवाली थाने तक पैदल लाया गया। कोतवाली पुलिस द्वारा सट्टा के तहत सट्टा पट्टी एक्ट के तहत सभी लोगों पर कार्रवाई की गई। छिंदवाड़ा से संवाददाता मुकेश तिवारी की रिपोर्ट। काफी दिनों से श्याम टॉकीज के पास से अवैध रूप से सट्टा की सूचना लगातार मिल रही थी। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो है इस बात को गंभीरता से लेते हुए और पूरी तस्दीक कराई गई जो कि सही पाई गई। इसमें हमको आदेशित किया गया था कि आप जो है इसमें मुखबिरी लगा के, चूंकि वहाँ मुख्य सरगना रहता है और उनके लड़के आसपास से सट्टा पर्चियाँ लिखते हैं, तो इसी में हम मुखबिरी लगाते हुए आज जो है नरेश सांगवानी को लालबाग से सट्टा लिखते हुए इसको पकड़ा था, जिसने बताया कि यह अर्पित पिता राकेश माहिल को यह सट्टा पर्ची देता है और उसी के कहने पर यह लिख रहा है।